खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर वापस लौटे। बैठक में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक थी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में सार्थक चर्चा हुई, विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन जनता को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई मुलाकात पर कहा कि अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई, नक्सलियों के पुनर्वास और प्रधानमंत्री आवास के संबंध में चर्चा हुई। हाँ, 27 तारीख को नीति आयोग का बैठक था और नीति आयोग के अध्यक्ष और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग का बैठक संपन्न हुआ, जिसमें सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सीईओ सहित सभी अधिकारी शामिल हुए और बड़ी उसमें सार्थक चर्चा हुई। 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। सभी वर्गों से राय शुमारी करके विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, जिसको 1 नवंबर प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन जनता को समर्पित करेंगे। उसके विषय में भी हमने वहां पर जानकारी दिया और आज शिवराज सिंह चौहान जो देश के कृषि और पंचायतों ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई है और जो पिछले 5 वर्षों में यहां के गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए और हम लोग सरकार बनते ही जिसकी स्वीकृति दे दिए हैं, उसके विषय में चर्चा हुई है और नक्सली क्षेत्रों में जो शहीद होते हैं या जो आत्मसमर्पण करते हैं, ऐसे लोगों को अलग से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए, ये सबका आग्रह किए हैं और उन्होंने बड़े इत्मीनान से हम लोगों की बात सुनी है और पूरा आश्वस्त किया है कि उनका पूरा सहयोग रहेगा।